नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज मैं पहुंचा हूं जो इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल देहरादून में हो रहा है, उसमें उत्तराखंड ने किस तरह से एप्पल फार्मिंग में अपने आप को साबित किया। उत्तराखंड धीरे धीरे एप्पल प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है। अगर हम देश की बात करें तो जम्मू कश्मीर नंबर वन पायदान में है, हिमाचल प्रदेश उसके बाद दूसरे पायदान में है, उत्तराखंड तीसरे पायदान में है और अरुणाचल प्रदेश चौथे पायदान में है। लेकिन एप्पल मिशन के तहत किस तरह से फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है और कई लोगों ने नई एप्पल की नर्सरी लगाई है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि उत्तराखंड ने एप्पल ग्रोइंग में काम करना शुरू किया है। तो जो हमारी फार्मर्स की इनकम है, एक तो वो बढ़ाने में काम करेगा, ओवरऑल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट देगा। और मैं दो ऐसे फार्मर्स से आपको मिला रहा हूँ जो नई तकनीक के एप्पल ग्रोइंग में काम कर रहे हैं। मेरे साथ सुलोचना जी हैं और मेरे साथ राणा जी हैं, और संयोगवश आप दोनों उत्तरकाशी के हैं, नौगांव ब्लॉक से। तो सुलोचना जी, मुझे ये बताइए, आपको क्यों लगा कि एप्पल ग्रोइंग में जाना चाहिए और हमारी जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो उसके लिए बड़ी मुफीद है? इसलिए जाना चाहिए क्योंकि एक तो हमारी क्लाइमेट है और क्लाइमेट के साथ साथ इसमें जो है इनकम अच्छी है, क्योंकि एक बार जब लगा देंगे तो कुछ दिनों तक जो है इसको तोड़ते रहो, आगे वाली पीढ़ी भी पलायन रुकेगा और इनकम होगी। अभी तक आपने कुछ हार्वेस्ट किया है, कुछ पैसा मिला आपको? हाँ जी मिला है। हाँ बताइए ना थोड़ा। हाँ, 2 लाख रुपए मिले हैं पहले 14 महीने में। पहले 14 महीने में आपको 2 लाख रुपए मिले जो पहले नहीं मिलते थे? नहीं मिलते थे। और आगे आपने इसको, आपने सोचा है कि इसको और बढ़ाया जाए? और बढ़ाए, सरकार ने हमको जो एप्पल मिशन के तहत 1000 पेड़ और दिए हैं और मैं इसको सरकार का तो धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मैं खुद भी इसको और आगे बढ़ाऊंगी अपने पैसे से, जो हमको अर्निंग होने लग गई है इसको मैं 4000 पेड़ तक ले जाऊंगी। राणा जी, आप तो पिताजी आपके बहुत लंबे समय से, वो एक वहाँ के ऐसे फार्मर थे जिन्होंने लोगों को शायद ये सिखाया कि अपने पहाड़ में रह के काम करो। मुझे खुशी है आप उनके पदचिन्हों में चल रहे हो। आप थोड़ा सा बताइए आप क्या क्या कर रहे हैं? सर, हमारा भी जो पुराना ऑर्चर्ड था तो उसमें काफ़ी लंबे टाइम से क्लाइमेट चेंज होने के कारण उसमें अच्छा सेव नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हमने भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ हमने अपना बगीचे को इम्प्रूव किया और उससे हमको अच्छा रिजल्ट मिला। अल्ट्रा हाई डेंसिटी का मतलब थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाओ। ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी का ये रूट स्टॉक पे लगा हुआ पौधा होता है जो हम एक वर्ष में ही हमको उसका, जैसे हमने इस साल लगाया 2021 में, तो 2022 में हमको अच्छी क्रॉप दे देगा। हाँ। तो इसी में हमने जैसे एक 250 प्लांट का एक यूनिट लगाई थी, तो उसमें 2019 में हमने वो उसको लगाया और 2020 में हमको वहाँ से 1.25 लाख रुपए का इनकम हो गया था। तो अभी उसका एक्सपेंशन आप करेंगे? जी सर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं या देश दुनिया के लोग हैं, उत्तराखंड में एप्पल ग्रोइंग में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और आप देखेंगे कई वेराइटीज के हाई डेंसिटी जो एप्पल है वो यहाँ पर ग्रो किए जा रहे हैं और माना ये जा रहा है कि इससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है और फार्मर्स को अच्छी खासी इनकम हो रही है। अगर उत्तराखंड की मैं बात करूँ, खासकर जो हमारा हायर एल्टीट्यूड एरिया है वहाँ पर अगर हम एप्पल ग्रोइंग में काम करें तो जाहिर तौर पर किसानों की आय बढ़ेगी भी और हम पलायन नहीं करेंगे और अपनी जगह में रहकर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।